पार्टिसिपेट करने वाली टीम बी से कहेंगे कि वो स्टेज पे आए ताकि हम मुकाबला शुरू करें। कम ऑन टीम बी, कहाँ हैं आप? अरे सारा, दो मिनट पहले तो बताया होता कि चाय बना रही हूँ, मैं पान मुंह में ना डालती। तो खाला, आप कुल्ली कर ले, मैं एक नया पान ला देती हूँ। हाँ, मुफ्त का है ना सब। अरे जोर से बोला करो, अब सुनाई नहीं देता। तुमसे जितना कहा है तुम वो कर लो तो बड़ी बात है, रोज आके खर्चा ले जाती हो, लेकिन काम वाम तो कोई करती नहीं। बात तो तब करू ना जब तुम्हारा बेटा कोई ढंग की नौकरी करे। सीधी सी बात है, 20 साल हो गए रिश्ते कराते हुए, कसम ले लो द्वार तक कभी गलत बयानी की हो, एक तुम ही हो जिसकी मैंने बात रख ली। बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी, तुमने मेरी बात रख ली, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे कामों में छोटा मोटा झूठ तो जायज है। मम्मी ये गलत है, और ये ऐसी बात नहीं है जो ज्यादा देर तक छुपाई जाए। झूठ की बुनियाद पे कायम रिश्ते पायदार नहीं होते, अगर उन्हें पता चल गया तो। कौन बताएगा? तुम? मम्मी इससे कुछ बईद भी नहीं है कि वहां जाके बता दे, मैं तो कहती हूँ इसे साथ ही ना लेके जाए। अरे भाई, किसे लेके जाना है और किसे नहीं, ये तुम्हारे घर के झमेले हैं। एक बात बताई दे रही हूँ, अगर उन लोगों के सामने मैं झूठी पड़ी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम बेफिक्र हो जाओ खाला, उनको कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा चलो, मुझे तो खर्चा पानी दे दो। अच्छा चलो, मैं तो अब चलती हूँ। अरे खाला, चाय तो पी के जाए ना। बेटा, तुम्हारी ये पानी वाली चाय के लिए मैं अपने पान का जायका खराब करने वाली नहीं। बड़ी बात है, मैं तो ऐसे कर रही जैसे खुद दूध पत्ती पीती है, और एक तुम हो कि घर का बजट खराब करने पे तुली रहती हो हर वक्त। किसने कहा था कि चाय के साथ बिस्किट भी लेके आओ? वो अम्मी राहील बिस्किट लाए थे तो मैंने सोचा कि मैं चाय के साथ। ये सोचने के बाद तुम रहने दो, राहील लाए थे। अरे मेरा बेटा कमा कमा के आधा हो गया, और तुम्हारी शाह खर्चियां है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। अम्मी आप भी किसे समझा रही हैं,
इसने कौन सा कोई अमल करना है, चिकना घड़ा है ये, किसी बात का असर नहीं होता इस पे। अरे हाँ ठीक कह रही हो तुम, 9 साल हो गए मगर मचाल है जो आज तक किसने कोई ढंग का काम किया हो। क्या हमारे तौर तरीके सीख लिए होते, जैसी थी अभी तक वैसी की वैसी। अब मेरा मुंह क्या देख रही है, जा काम कर। और हाँ आज जमीला के सामने तो जो कहना था सो कह लिया, लेकिन वहां उन लोगों के सामने अपनी सच्चाई का राग ना नापने लग जाना, समझी? समझी। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, मेरे मासूम बेटे को बाप के ना होने का एहसास दिलाया तुमने। मेरे विनर्स यहाँ बैठ के सेलिब्रेट करेंगे। बाबा मम्मा क्यों नहीं आई? अरे यार वो बिजी थी तो मैं आ गया। पापा अगर आप नहीं आते ना तो ना सब लोग हमारा स्कूल में मजाक उड़ाते। अरे कैसे मजाक उड़ाते, विनर्स का कोई मजाक नहीं उड़ाता, और मामा और पापा कभी भी अपने बच्चों को लेट डाउन नहीं होने देंगे। और वैसे भी अगर मामा पापा बन सकती है तो पापा मामा क्यों नहीं बन सकते। ये ट्रॉफीज मुझे दे दो बाबा। You are the best in the world. Oh, really? Yes. Yes. Mama, 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 कहाँ हैं आप? अरे वाह, ये क्या? कहाँ से आई है? मम्मा ये देखिए ना। ये ट्रॉफी? किसने दी? मम्मा ये देखिए ना। मम्मा, पता है बाबा ने हमें कंपटीशन विन करवाया। बाबा ने इतने मजे मजे की डिशेस बनाई थी ना, सब उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मा हमें तो बहुत मजा आया था आपको पता है, और बाबा ने ना बहुत मजे मजे के खाने बनाए थे। मजे और हर कोई हमसे जेलस हो रहा था। अच्छा चलो अच्छा ही हुआ ना फिर बाबा तुम लोगों के साथ गए, तुम्हें कॉम्पिटिशन जितवा दिया। आपको पता है मेरी फ्रेंड्स ना बाबा की बहुत तारीफ कर रही थी खाने की। इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना सकती, क्यों है ना। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, मेरे मासूम बेटे को बाप के ना होने का एहसास दिलाया तुमने। क्या हुआ आप बैठे तो सही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज्यादा मासूम मत, भाई को बच्चों के स्कूल भेजकर तुमने मेरे कासिम का दिल दुखाया है, खुदा पूछेगा तुम लोगों से। अरे भाई मुझसे क्यों नाराज हो, मैंने क्या कहा? आप कहें या वो, बात तो एक ही है ना। नहीं 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 एक बात नहीं है, मैं भाई हूँ और वो भाभी। तो भाभी भी तो आप ही की वजह से है ना, कोई एहसास ही नहीं है किसी का। आज मेरे बच्चे का दिल दुखाया है, कल को बच्चों में दूरियां पैदा करेंगी, और आप देखते रहना कुछ ना कहना उन्हें। अरे ऐसा कुछ नहीं है बहना, तुम गलत समझ रही हो। अम्मा देखा आपने, आप तो कह रही थी हमारी साइड पे, सुन लिया अपने कानों से। अच्छा भाई तुम दोनों ही चुप हो जाओ, अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। राहिल कल शकील के लिए लड़की वालों के घर जाना है, और अपनी बीवी से कह देना कि वहाँ ज़रा सोच समझ के मुंह खोले, ये बात उसके कान में डाल देना। जी अम्मी जी, जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। अरे हाँ उससे कहना कि अपना कोई अच्छा सा जोड़ा जो आजकल के फैशन के हिसाब से लगे शाजिया को दे दे, ये पहन के जाएगी वहाँ, ताकि लगे कि हाँ लड़के वाले हैं, ये अच्छी लगेगी तो तुम्हारी ही इज्जत होगी। चलो ये भी हो जाएगा, और बोला। बस 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 ज्यादा फरमा बरदार बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वहाँ जाके भी अपनी बीवी से यही कह रहे होंगे। और हुकम, और हुकम। मैं वहाँ जाके कुछ भी कहूँ लेकिन मेरे लिए पहली तरजीह अम्मी है,
और जैसा अम्मी कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। सच? तो फिर वादा करें जैसा अम्मी ने कहा है वैसा ही होगा। हाँ मैं तुम्हें जोड़ा दे दूंगा। मैं जोड़े की बात नहीं कर रही, जो अम्मी ने कहा है जैसा अम्मी ने कहा है भाभी से कहें कि वो बिल्कुल वही कहेंगे, ना एक लफ्ज ज्यादा ना एक लफ्ज कम। हाँ भाई मैं वादा करता हूँ जो अम्मी ने कहा है मैं वही कहूंगा, पक्का वादा। खुश? शुक्र। अरे ना बात को समझ नहीं रहे, अम्मी ने शकील को ग्रेजुएट बताया अच्छी सैलरी के साथ, एक अपार्टमेंट का मालिक बताया जिसने तकरीबन अपनी सारी किस्तें अदा कर दी है। अब आप बताएं, इतने बड़े बड़े झूठ। मुझे तो उस लड़की का सोच के दुख होता, इतने बड़े बड़े ख्वाब लेके आएगी वो इस घर, जब उसे सच पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस बेचारी पर। होना वही है जो अम्मी कह रही है, तो बस फिर ठीक है, क्या करें। राहिल मैं जानती हूँ कि अम्मी के सामने बोलना सही नहीं, लेकिन इस हवाले से आपको बात करनी होगी, ये गलत है। आज नहीं तो कल इसी घर की बदनामी होगी। यार जैसा अम्मी कह रही है तुम वैसे बोल दो, बाद में सोचेंगे क्या करना है और क्या नहीं। बाद में कब राहिल? शादी के बाद, क्योंकि बकौल अम्मी के शादी के बाद लड़की वालों के मुंह बंद हो जाए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं क्या कहूं। कल शकील से बात करता हूं। अच्छा तुम परेशान नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खूबसूरत होनी चाहिए वो, बस नहीं हुई तो निकाह वाले दिन भाग जाऊंगा मैं। मेरे मौला, मेरे मौला। अरे मैं सदके जाऊं, कितना कमजोर हो गया तू। अरे तू इतने दिनों से अपनी नुज़त खाला के पास गया हुआ था, तो तुझे खाने को नहीं देती थी कुछ? अम्मी मेरी फिक्र छोड़ दें आप, खाला के पास चक्कर लगा लें, हर वक्त पूछती रहती हैं आपका। अरे हाँ अभी तो बहुत मुश्किल है, तेरे रिश्ते की बात चल रही है, खैर से बात पक्की हो जाए ना फिर चक्कर लगाऊंगी उसके तरफ। एक मिनट एक मिनट, शादी की बात पक्की करने से पहले एक दफा मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा, किसी भी काली नीली पीली से शादी नहीं करूंगा मैं। ए लड़की तो बहुत खूबसूरत है, वैसे आज मैं उधर जा रही हूँ, फिर से देख लूंगी जरा अच्छे तरीके से। खूबसूरत होनी चाहिए वो, बस नहीं हुई तो निकाह वाले दिन भाग जाऊंगा मैं। फिर बोलते रहना। ला दूंगी तस्वीर तुझे। वैसे कोई भी फैसला करने से पहले ये अच्छी तरह सोच लेना कि लड़की इकलौती है और जो भी कुछ है सब उसी का होने वाला है। हाँ। तो फिर वो इसी खुशी में मुझे 500 रुपए दे दें, जरूरत है। शर्म कर शर्म, बजाए खुद कमा के ला के मैंने हाथ पे रखे उल्टा मुझसे मांगता रहा। किस बात की शर्म करूं और क्यों करूं, अभी कौन सी मेरी उम्र निकली जा रही है, कमा के भी ला दूंगा। और राहिल भाई को भी तो देखें ना आप, कितनी अजीब अजीब सी जगहों पे नौकरियां ढूंढते रहते हैं मेरे लिए, छोटी मोटी। अब कोई अच्छी नौकरी ढूंढे स्टैंडर्ड वाली तो करूँ ना मैं। अरे तो वो भी बेचारा क्या करे, मैट्रिक पास को तो ऐसी ही नौकरियां मिलती हैं। अच्छा तो दिल छोटा ना कर, मैं उससे बात करती हूँ कोई अच्छी से नौकरी दिलाए तुझे। अच्छा ये 500 तो नहीं है खैर, 300 है, ये रख ले, तंग करके रखा हुआ तूने। हाँ अरे भी बात यह है कि अच्छे लोग हैं, लड़का अच्छा है, और सबसे बढ़ के कि वो शादी के बाद चाहता है कि लड़की के साथ अलहदा फ्लैट में शिफ्ट हो जाए, इससे और बढ़ के हमारे हक में क्या हो सकता। बिल्कुल, हैरत की बात तो ये है कि उसके अपनी बीवी के साथ अलहदा रहने पे उसकी फैमिली को भी कोई एतराज नहीं है। अरे भी एतराज कैसा,
जो काम कल होना है अगर वो बखैर खूबी आज हो जाए तो बेहतर है। मुझे भी उनके हवाले से जो भी मालूमात मिली है वो सब अच्छी ही है। अब तो दिल चाहता है कि वो लोग जल्दी से आए और फौरन हामी भर लें। अरे नहीं बेगम, ऐसा मत करना, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हमें अपनी बेटी भेजने की जल्दी है। अभी सोच समझ कर फैसला करेंगे। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सोचने समझने की। भाई अगर हमारे ज्यादा सोचने को उन्होंने इनकार समझ लिया तो आजकल अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें हामी बनने में इतनी जल्दी करनी चाहिए। अच्छी तरह उनके बारे में पूछ-गिछ कर लें, उसके बाद जवाब देंगे। अच्छा तो ठीक है, मेरी भी कुछ जानने वालियां हैं जो रजिया बहन को बड़े अच्छे से जानती हैं, मैं उनसे मालूमात ले लूं। आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है। अरे वाह बेटा, चाय की सुख बड़ी तलब हो रही थी। मुझे पता था पापा, तभी तो आपके बिना गए ले आई। जीती रहो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ बस ऐसे ही, तुम बताओ सब ठीक? मैं क्या बताऊँ, क्या सोच रहे हो, परेशान लग रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, वो मम्मी छोटे के रिश्ते के लिए कहीं आ जा रही है। अच्छा, खर्चा आ रहा है इसलिए परेशान? बात खर्चे की नहीं है यार, मम्मी छोटे के लिए इतनी बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही हैं कि समझ से बाहर। अब ऐसा भी नहीं है, अम्मी कह रही हैं कि वो कश्यप सर, रज साहब ने आपके लिए फाइल दी है। ठीक है मैं देख लेता हूँ, आप जाओ। यार अक्सर ऐसा होता है, इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है? अक्सर ऐसा होता है लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। अम्मी ने उसे एक ग्रेजुएट बता दिया है, बैंक बैलेंस अपना है, घर का मालिक है और एक नए फ्लैट का मालिक भी है। ये वैसे कुछ ज्यादा हो गया। ज्यादा को तो पता नहीं लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है, अगर लड़की वालों ने हामी भर ली तो पता नहीं लड़की का क्या होगा। तो ऐसा करो ना, अम्मी को समझाओ। यार अगर अम्मी को समझा पाता तो यहां बैठकर तुमसे जिक्र कर रहा होता। एक तरीका है मेरे पास, अगर तुम उस पे अमल करो तो। ओके। उसे बोलो कि यार मेरा जो भाई है, क्या हो गया है, भाभी वाले आ क्यों नहीं रहे? अरे क्या हुआ तुझे, इतनी जल्दी किस बात की है, आ जाएंगे। जिस बात के लिए गए उसी बात की जल्दी है ना। अच्छा अच्छा, फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, देख रहा तू। अम्मी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाभी, कोई बुरी खबर है क्या? मुंह क्यों लटका हुआ है आपका? मैंने कहा था ना ये कभी भी नहीं माने, आंखों पर से प्यार की पट्टी हटे तो कुछ नजर आए ना। मेरे भाई, घर की खुशहाली या बदहाली में ना औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। सांसों का चले क्या कारवां, मेरे मौला बसाया, मेरे मौला मेरे मौला।